यू सो मच सर। दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो खालिद चिश्ती साहब, हमारा माशाल्लाह सिलसिला भी एक है, और इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे आने की। उसके बाद जनाब तारिक ताफू साहब, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी आमद मतवक्के है इंशाल्लाह। इस मेरे सॉन्ग की स्पेशलिटी जो है वो उनका म्यूज़िक है, ताफू घराने का, तारिक ताफू साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह है, और प्यार से उन्होंने जो मेरे शौक की ख्वाहिश मेरी तकमील उसको तकमील तक पहुँचाया। और बेसिकली आई एम लेक्चरर बाई प्रोफेशन, लेकिन शौक है तो डेफिनेटली शौक का कोई मुल नहीं होता जी। अच्छी बात है, और एजुकेशन से क्योंकि मेरा भी ताल्लुक रहा है, 12 साल मैंने स्कूल चलाया एज ए प्रिंसिपल, अपना मेरा जाती स्कूल था,
तो बस मैं इस फील्ड में आया हूँ तो सब कुछ छोड़ दिया और यही का होके रह गया। तो इसी तरह ये दोस्त हैं तो इन्होंने बड़ा अच्छा गाया, लेकिन मैं ये देख रहा था सिर्फ इनकी फैमिली इनके लिए ताली बजा रही है, ऐसी बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं आपको जाने के लिए? कहा जफर चिश्ती साहब, मैं इल्तमास करूँगा, एक हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है अरशद नसीम भट्ट साहब, आप तशरीफ ले कर रहे हैं और एक गिफ्ट है आपके लिए, नहीं फेस ब्रश आपके लिए नहीं, लेकिन क्योंकि आपने गाना अच्छा गाया है इसलिए आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आप मजीद मत यूज कीजिएगा, खूबसूरत है ये माशाल्लाह, लेकिन जहाँ ये जाके बैठेंगे ना जाहिर बात किसी ना किसी के काम आ जाएगा ये गिफ्ट। बट सब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में भी हमारे नुमाइंदे हैं सकाफत के, तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के फनकारों को आप ऑस्ट्रेलिया में भी मौका देंगे। भरपूर तालियों की आवाज़ होनी चाहिए सर, थैंक यू वेरी मच।